First phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. Fifth phase mein hoga, second phase of the assembly of Odisha, 26th April and 20th May. Then sixth phase and seventh phase also, Odisha would have the assembly elections. Sixth phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो. कमिंग टू द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार, बिगेस्ट. 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 आर रिजर्व फॉर एससीज एंड 47 आर रिजर्व फॉर एसटीज. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्यौहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग. छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं. शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन, वील डू इट इन 7 फेजेस एज वॉज डन लास्ट टाइम. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें phase 1 का schedule एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक festival है, तो notification की date same है, लेकिन बस last date of withdrawal हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्यौहार है और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी. सो फेज वन दिस विल लुक लाइक दिस. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है. सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकेंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th ऑफ अप्रैल. सिमिलरली हियर इन केस ऑफ J&K बिकॉज ऑफ द सम हॉलीडे द डेट ऑफ वन डे वुड बी डिफरेंट, डेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन वुड बी डिफरेंट, बट डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ पोल वुड बी कॉमन. फेज वन में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे. सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज थ्री वुड बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th ऑफ मई. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13 ऑफ मई. डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द
इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाय दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी।